हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे ईएसपी का जनरल अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है, जनरल पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, इस तरह से ये हैंग रहता है। ये एक प्लेट है जो इस तरह से दिखता है, ठीक है, इस तरह से दिखता है। और इसकी जो नॉमिनल हाइट होती है वो 7.5 मीटर का होता है, ठीक है। और इसकी जो नॉमिनल लेंथ होता है वो होता है 0.75 मीटर का, ठीक है। और इसकी जो डस्ट कलेक्शन इफिशेंसी जो होता है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता है, ठीक है। इसकी जो मटेरियल ऑफ कंडक्शन होता है वो कार्बन स्टील की होती है। दूसरा है इमिटिंग इलेक्ट्रोड्स। ये इमिटिंग इलेक्ट्रोड्स हाई टेंशन पावर सप्लाई से जुड़ा होता है, कनेक्ट रहता है, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सेट होता है जो यहाँ जो ऊपर दिख रहा है उससे जुड़ा होता है। ये इमिटिंग इलेक्ट्रोड दो तरह से होता है। ये पहला ये होता है, एक पाइप होती है, ठीक है, इस तरह से, जिसमें स्टेनलेस स्टील के कांटे लगे होते हैं। इस पाइप की डाया लगभग 40 mm का होता है, ठीक है। दूसरा होता है इसमें स्पायरल टाइप का, इस स्पायरल डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार से स्पायरल इलेक्ट्रोड की जो डाया होती है वो होते हैं 2.7 mm और लेंथ होता है 5.25 मीटर, ठीक है। और इसकी वायर स्पेस होता है 150 mm या फिर 225 mm का होता है। और इसकी जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है स्टेनलेस स्टील होता है। जब इमिटिंग इलेक्ट्रोड में पावर से ईएसपी को चार्ज किया जाता है तो नंबर ऑफ स्पार्क होता है। रैपिंग मैकेनिज्म, ये एंगुलरली डिस्प्लेस्ड टम्बलिंग हैमर होता है और गियर बॉक्स लगा होता है। इसमें ड्राइव मोटर्स प्रोवाइड किया जाता है, जो इसका जो लोकेशन होता है साइड प्लेटफॉर्म में होता है। रेपर कलेक्टिंग प्लेट के लिए 4.5 किलोग्राम का और इमिटिंग इलेक्ट्रोड के लिए 3.8 किलोग्राम का जो वेट रहता है वो होता है। चौथा आते हैं हॉपर, ठीक है, ये हॉपर है, इस तरह से दिखता है। इसमें इसकी टाइप्स होती है, पिरामिडल की तरह होता है। इसमें जितने फील्ड होंगे उतने ही, इसमें जितने फील्ड होंगे, जैसे यहाँ पे 4 फील्ड है तो 4 हॉपर है, ठीक है, जितने फील्ड होंगे उतने हॉपर होंगे, ठीक है। हॉपर की जो कैपेसिटी होती है वो मीटर क्यूब में होती है, ठीक है। इसमें हॉपर प्लेट की जो थिकनेस होता है लगभग 6 mm का होता है। और यहाँ पे एक लेवल प्रोब भी लगा होता है जो डस्ट का लेवल बढ़ने नहीं देता हॉपर में, ठीक है। अब आते हैं पांचवें नंबर में, ये कहता है गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, या फिर गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। ये इनलेट और आउटलेट में लगे रहता है, ठीक है। ये परफोर्टेबल फॉर्मेट शीट टाइप का होता है, ठीक है, okay. इसमें नंबर ऑफ होल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें गैस डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका जो लोकेशन होता है इनलेट और आउटलेट फनल में होता है। छठवां है पेंट हाउस, ठीक है। पेंट हाउस क्या होता है, ये एक चेम्बर होता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स जो होता है वो लटका रहता है, और इमिटिंग इलेक्ट्रोड और कलेक्टिंग प्लेट आपस में टकराए ना और उस और आपस में करेंट पास ना हो, इसके लिए ये इंसुलेटर को लगाते हैं, ठीक है। सातवां नंबर पे है, ये यहाँ
ईएसपी के आउटर में, ठीक है, आउटर रूफ में इलेक्ट्रिकल आइटम है, ठीक है, जिसे पावर सप्लाई यूनिट कहते हैं, ठीक, जो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सेट है, ठीक है, ये स्टेप ऑफ डबल बॉन्ड टाइप होता है और इसका जो रेटिंग होता है, ठीक है, 95 किलो वॉट और 400 mA का होता है, ठीक है। इसमें डायोड लगा होता है जो एसी पावर को डीसी पावर में चेंज करता है, ठीक है, 415 वोल्ट एसी को चेंज करता है 90,000 वोल्ट डीसी या फिर 90 किलोवाट। इसमें नंबर ऑफ फील्ड होते हैं, देखिए वहाँ एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फोर्थ का दिखलाया है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ फील्ड होता है, ये डिपेंड करता है ईएसपी के डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे चार है, ठीक। तो पहला फील्ड में ज़्यादा डस्ट होगा, दूसरे में थोड़ा कम डस्ट होगा, तीसरे में बहुत ही कम और चौथे में और भी कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्फेक्शन और क्लीनिंग के लिए डोर दिया होता है, ठीक है। ईएसपी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो बहुत ही जहरीला होता है। ईएसपी का लोकेशन जो होता है वो एबीसी और सीएबीसी बॉयलर में एयर हीटर के आउटलेट और आईडी फैन के बीच लगाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं डब्ल्यूएचआरई बॉयलर में इकोनोमाइजर और आईडी फैन के बीच लगाते हैं ईएसपी को, ठीक है। ईएसपी बनाने वाली कंपनी होती है थर्मैक्स,